दोस्तों, मैं बुद्धविलास रायकवाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जो हमारा इंजन है, ये पेट्रोल से स्टार्ट होता है और मिट्टी के तेल से चलता है। तो दोस्तों, इसकी ये समस्या क्या हो गई है कि इसकी रिंगें ख़राब हो गई हैं। सर, ये धुआं बहुत दे रहा है और ये मोबाइल उठा रहा है, तो इसे आज हम फुल रिपेयरिंग का वीडियो आपको देंगे। तो आप अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, शेयर करना और हमारे दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा GK 100 1.3 KV 3600 RPM। तो दोस्तों, हम आज एक दो और दो तरफ उसी तरफ के हैं और एक नीचे वाले नीचे ये एक इसमें लगा, इसको तीनों नट निकाल लीजिए। इनके बाद ये जो हमारा नली है इसको भी निकाल लीजिए। बस दोस्तों, इसके बाद टंकी हम आपको अलग करके दिखाते हैं। निकालने के बाद ये जो जितने नट लगे हैं, 6 नट लगे हैं, इनको निकाल लीजिए। तो हमारा देखिए ये रहा, ये अलग हो जाएगा। इसके बाद ये गैस्केट है, तो गैस्केट हम दोनों निकाल देंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए, ध्यान से ये देखिए, इसकी जो रिंगे हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों, हम इनके रिंगे इसके बाद आपको खोल, इनको कैसे पिस्टन को निकालना है मैं ये भी आपको बताता हूँ। चलो दोस्तों, देख बताता हूँ इसमें कैसे निकलेगा ये। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्त, इसके बाद इसका पंखे को अलग कर लेना है। पंखे के अलग करने के बाद ये जो 6 नट दिख रहे हैं इनको खोल लेना है। चलिए दोस्तों, मैं इसको खोल के निकाल के आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या हमको करना होगा। फटाफट ये हमारे हमने चारों 6 नट खोल लिए हैं। इसके बाद इसको अलग करना है। इसके बाद इसको निकाल के मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर होता क्या क्या है। दोस्तों, जल्दी से हम इसको निकाल देते हैं। ये दोस्तों हमारा निकल आया पल्ला। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आपको इसके ये जो हमारा पंप लगा होता है इसको निकालने की बात के इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम आप इसमें जो ये 14 नंबर का नट लगा होता है इसको निकालना है। दोस्तों, हमने निकाल लिया इसको फटाफट। ये हमारा निकल आया। ये ऑयल पंप लगा होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसको अलग करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा कैम शाफ्ट। इस कैम शाफ्ट को बाहर निकाल लेनी है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा ये रहा क्रैंक। क्रैंक में 2 8 नंबर के नट लगे होते हैं, तो इनको हम खोल के दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने स्पेशल पुलर बनाया है अपने लिए, जिससे कि हमारा ये क्या होता था, इंजन ये लगता नहीं था। विंच लगती थी पर वो स्लिप हो जाती थी, बोल्ट खराब हो जाते थे, इसीलिए मैंने इसको बनाया है दोस्तों। तो चलिए फटाफट इसको खोल के और आपको बताते हैं इसको पिस्टन में क्या कैसे करना है। दोस्तों, हम इसको और सर टाइट होते हैं और टाइट अच्छे से करना चाहिए हमेशा, इसीलिए मैंने ये स्पेशल कूलर बनाया है अपने लिए।
तो हमारा खुल गया, इसके बाद दूसरे वाले को खोल लेते हैं। Mm-hmm.